हेलो दोस्तों, स्वागत का अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24x7 में। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ हम आपके लिए लेके आएँ तो सबसे पहले आज तक पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, जो शिक्षक है, जो बिहार के शिक्षक है, वो विधानसभा के सामने नाराज शिक्षक जो आक्रोशित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, पुरानी पेंशन और पुनौती के मुख को लेकर शिक्षक जो है वो विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। यह दोस्तों, पुरानी पेंशन और पुनौती की मांग को लेकर विधानसभा के समक्ष शिक्षकों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्यव्यापी आह्वान पर गर्दानी बाग स्थित धरना स्थल पर विभिन्न जिलों से आए हजारों शिक्षक शिक्षिकाओं ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा कि राज्य की शिक्षा एवं शिक्षक विरोधी नीति के कारण राज्य की मुख्यधारा शिक्षा को संचालित करने वाले सूबों के लाखों शिक्षक आर्थिक, मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। यह दोस्तों, जो राजस्थान की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है, उसी को लेकर अब हर एक राज्य में मांग बहुत तेज़ हो गई है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित हो रही है। शिक्षकों के प्रदर्शन को मुख्य रूप से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, भाकपा माले विधायक महबूब आलम, तरारी विधायक सुदामा प्रसाद, फुलवारी शरीफ विधायक गोपाल रविदास, EMIM विधायक दल के नेता अख्तरुल इमाम, सिंहेश्वर विधायक चंद्रहास चौपाल एवं विधान पार्षद वीरेंद्र नारायण यादव ने संबोधित किया और शिक्षकों की मांग को सदन में रखने का आश्वासन दिया। जी हाँ दोस्तों, जो शिक्षक है, जो बिहार का शिक्षक है, वो चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना जिस तरह से राजस्थान में लागू हो उस तरह से बिहार में भी लागू हो और जो पुनौती का भी मामला है वो भी जल्द से जल्द उसको लागू किया जाए। सभा को डॉक्टर मधु, संजीव कामत, पंकज कुमार मंटू, जयप्रकाशी, रामजी प्रसाद, पवन कुमार, पंकज जायसवाल, संजय कुमार, जफर रहमानी, तजीमुद्दीन रहमान, साकेत सुमन, मनीष रोशन, राकेश कुंदन, नवल किशोर यादव, रमेश सी, शत्रुधन प्रसाद, KDC, उत्पल कांत, संतोष कुमार आदि ने भी संबोधित किया। आगे एक और न्यूज है, जो वित्तहीन अनुदानित शिक्षक देंगे धरना। जी हाँ दोस्तों, वित्त रहित अनुदानित शिक्षक कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर 9 मार्च को CM और विधानमंडल के समक्ष महाधरना का आयोजन होगा। वित्त रहित शिक्षा नीति से प्रभावित माध्यमिक स्कूल, इंटर और बंद डिग्री कॉलेजों के शिक्षक और कर्मचारी भी होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो दिन पर दिन बदतर हो जा रही है। आप भी देख सकते थे कि जो छठा चरण जो बहाली हो लगभग 2 साल उसमें लगा, और तो और जो ST 2019 का अभ्यर्थी है उनको 2022 में जाकर रिजल्ट जो है सर्टिफिकेट देना शुरू किया गया है, वो भी अभी कई जिलों में नहीं भी मिला है। और जो बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो 7वें चरण की मांग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में लगभग 3.5 लाख से ऊपर शिक्षक की रिक्तियां हैं, उनको लेकर शिक्षक अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन रिक्तियों को बिहार सरकार निकाले और जल्द से जल्द उनकी बहाली हो ताकि बिहार में और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जा सके। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ हम आपके लिए लेते हैं। थैंक यू, नमस्कार।